करके लगा। तुरंत मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंची। देन आई लीव तो इसलिए अब आई एम वेटिंग फॉर अ गाय टू कम। हाय गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं खड़ी हूँ अपने घर में, अपने घर की बिल्डिंग में, और मुझे लेकर जाना था आपको एक जगह, बट वो इस वक्त वहाँ नहीं है बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। लेकिन अब हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ के लिए मुझे जाना है? अपने नेल्स कराने, बिकॉज इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग। मैंने अपने नेल्स के लिए थोड़ा ब्रेक ले लिया था, बहुत टाइम से मैंने अपने नेल्स कराए नहीं है बिकॉज बहुत वीक हो गए थे, बैक टू बैक में बहुत ज़्यादा अपने नेल्स करा रही थी। और अपना सामान ले लिया है मैंने वहाँ से मम्मी के घर जाने के लिए। तो चलिए, मैंने कुछ शूज़ लिए हैं, कुछ जिम के कपड़े लिए हैं, कुछ नॉर्मल क्लोथ्स लिए हैं, और कुछ स्लाइट हल्की फुल्की सी चीज़ें लाइक स्ट्रेटनर एंड ऑल दैट। चलिए फिलहाल निकलते हैं अपने नेल्स पार्क की तरफ। लाइट्स के हमारे लिफ्ट तो कभी लाइफ में आने से नहीं, इतना हमेशा इतना टाइम लगा दिया। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। इस वक्त मैं जैसे आपके सामने खड़ी हूँ, तैयार होकर खड़ी हो गई हूँ, बिकॉज आई थॉट पहले मैं आपको दिखाऊँ मैं अभी क्या खा रही हूँ, बिकॉज मेरा फेवरेट मखाना चाट मैं खा रही थी। फिर सोचा मैंने आपको बनाते हुए दिखाऊँ, फिर भी मैं मुझे आलस आया कि यार कैमरा उठाऊंगी, बड़ा आलस आ रहा है। बट एनीवेज, इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सच में एक जगह है जहाँ जा रहे हैं, अगर वो खुली होगी तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो नो पॉइंट, पता चले मैं जाऊँ और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिकॉज एक चीज़ देखी थी मैंने रास्ते में, बट फिलहाल मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ अपना सामान लेके आना है। फिलहाल मैं मम्मी के साथ ही यहीं पे रह रही हूँ, बिकॉज वहाँ मेरा अकेले बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। जब तक प्रिंस आता है तब तक मैं यहीं रहने वाली हूँ, एंड उसके बाद जब प्रिंस के आते ही आई विल शिफ्ट देयर। नो पॉइंट ना गाइस, अगर वहाँ पे वहाँ भी अकेले ही रहना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा वो टाइम मैं अच्छे से फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, और फिर प्रिंस के आते ही देन यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स, जिस किसी में आपके वेट कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं आपका वेट कर रही हूँ गाइस। चलो चलते हैं मम्मी के लिए वॉशरूम। और मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि मेरे जो बाल हैं ना पीछे से काफ़ी पूछ हो गए हैं, पूछ एंड लेट्स सी, उनको मैं ट्रिम कराने का थोड़ा मन कर रहा है। मैं सोचूँ थोड़ी ट्रिम करा लूँ गाइस। प्रिंस कह रहे हैं मैं इतने छोटे बाल करा दूँ, इतने छोटे, और बहुत टाइम से उसका मन है कि वो मुझे इतने छोटे बालों में देखे, बट ये पता नहीं उसका सपना मैं कब पूरा करूँगी। अभी तो नहीं, अभी फिलहाल चलते हैं, चलेंगे गाइस। दैट्स हाउ ही रिमूव्स हिज मेकअप, गाइस शर्ट्स स्वेटर्स, ये अपना स्वेटर रिमूव कर रहा है अभी, आप देख सकते हैं एक आर्म ऑलरेडी निकाल चुका है, दूसरी आम भी निकाल दी है, अब इसको ऐसे कर करके इसको पीछे से निकाल दिया। दोनों स्लीव्स निकाल ली हैं इसने, ये अपना स्वेटर निकाल रहा है, ये देखिए इसकी स्पीड रहती है ना जो आवाज की, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको रोकना और कैप्चर करना हाई स्पीड में। निकाल, थोड़ी टी शर्ट बची है, निकाल लो स्वेटर अपना, निकाल निकाल लो, निकाल लो, निकाल निकाल, थोड़ा सा बचा है, निकाल। फिर हम चलेंगे ऑरी के पास, नो नो सॉरी, ऑरी के पास, ऑरी गाइस, इसको ऑरी इतना पसंद है, ओ गॉड, ऑरी। ओ ये देखिए ऑलमोस्ट निकल चुका है इसका स्वेटर, क्योंकि अभी गर्मी लग रही है ना। गुमी गुमी चलना, ऑरी से मिलने चलना, वेट स्पीड कम थोड़ा, ये देखिए ऐसे कर करके अपना स्वेटर निकाल चुका है। ये अभी देख रहा है कैसे निकाले ये बाकी का बचा स्वेटर। ये लीजिए ऑलमोस्ट देयर,
तो चलना है। ओरी ओरी गोगो बुला रहा है आपको। ओरी हेलो ओरी, इधर आओ गोगो के पास। ओरी ओरी गोगो इज कॉलिंग यू। ओरी ओरी गोगो बुला रहा है, घूमी घूमी करने चलेंगे। घूमी घूमी ओरी ओली ओली ओरी से मिलना है, ओरी से मिलना है, घूमी घूमी जाना है ओरी के पास। ओरी आपको इतना पसंद है, इतना पसंद है ओरी। चलो घूमी घूमी चलते हैं, ओरी से मिल के आते हैं, ओरी के साथ अच्छे से एंजॉय करके आते हैं। ओरी को बोलते हैं हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओरी ओली सीधा आ गई जिम में। आई थॉट कि एक बार मैं जिम कर लूँ उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। आई एम सुपर हैप्पी, आई फिनिश्ड माय एक्सरसाइज, बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं कोशिश करूंगी अपनी एक्सरसाइज में सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ख़त्म कर लूँ, क्योंकि क्या होता जा रहा है, मैं जितना ज़्यादा जिम बढ़ा रही हूँ उतनी ज़्यादा मेरी भूख बढ़ती जा रही है। एंड आई फील हंग्री ऑल द टाइम। मैं कितना खा रही हूँ विच इज़ गुड इन अ वे, बिकॉज मुझे अपनी मसल बनानी है, मसल्स को थोड़ा सा और अच्छा करना है, बिकॉज मेरे पास मसल नहीं है बॉडी में जो बन रही है, मतलब है बहुत ज़्यादा लो उस पर है, स्कोर बहुत ज़्यादा लो है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बस मसल बढ़ाने के लिए। ऑफकोर्स मुझे अपना अच्छा फूड इनटेक रखना पड़ेगा, बट आई डिडंट नो कि इतनी भूख लगती है बॉस। मैं पहले खाती थी बड़े तरीके से नहीं खाती थी, बट आई एम हैप्पी, नज़र ना लगे, आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे जिस फिटनेस में जाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं बेसिक भी कर लूँ वो मेरे लिए बहुत है एज ऑफ नाउ। सो अभी आई एम डन विद माय जिम। आई थॉट आई शुड ईट समथिंग हियर ओनली इन द जिम एंड देन आई विल लीव, तो इसलिए अब आई एम वेटिंग फॉर अ गाय टू कम। सो मैंने कुछ ऑर्डर किया है, उसके बाद मैं निकलूँगी घर, और उसके बाद घर जाने के बाद भी डोंट बी सरप्राइज मुझे भूख लगने वाली है, बट लेट्स सी। Anyways, I just wanted to tell you कि मैंने जिम कर लिया है, मेरे नेल्स हो गए हैं और सीधा मैं निकलती हूँ इसके बाद घर के लिए। चलिए कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। खाने के लिए बोल दो उसको तो तुरंत आ जाएगा। फूडी खाओगे? फूडी फूडी, ये देखो गाइस बंदर, 2 मिनट के अंदर आएगा ये बंदर, और एक बंदर यहाँ पे है। हेलो, रोज भाव खाने ना तुझे, चल बात नहीं करी मुझे कट्टी। आई नी बीवी, हेलो, इतना टाइम क्यों लेता है मुझे देखने में? गाइस ये कैमरा देख के कॉन्शियस हो जाता है नहीं, कैमरे के चक्कर में थोड़ा सा कैमरा देख के, कैमरे की आदत डालो बेटा, नहीं तो मेरे साथ चिपका रहेगा 24 घंटे। यू कांट हेल्प इट, जस्ट कांट हेल्प इट, ना 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 ना। पैर में पेन नहीं होता क्या? इतना पैर खट 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 सारा दिन लगा रहता है, पेन नहीं होता पैरों में? A few hours later. Hi guys, मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। वेरी फनी, करते करते मुझे अचानक से मेरे हार्ट वाले एरिया में पेन हुआ, और फिर वो हाथ तक गया, फिर मेरे बैक तक गया, और पिछले 1.5 घंटे से मैं यू नो आई एम इग्नोरिंग, मैं अपना काम कर रही हूँ, हंसी हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पेन थोड़ा बढ़ रहा है और मैं यहाँ आ जाती हूँ, तो मैं आ गई हूँ। एक टेस्ट मैंने ECG करा लिया, ECG थोड़ी सी थोड़ी गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसके लिए मैं एक और टेस्ट करा रही हूँ, और घर पे किसी को पता नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है मैं कहाँ हूँ, उनके हिसाब से मैं बाहर हूँ, जिम में हूँ।
एंड मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही जिम लगा लिया है, अब नो आइडिया। कभी कभी चीज़ें हो जाती है, सो क्योंकि मुझे किसी को पैनिक नहीं करना है घर में, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आराम से करा के रेडी नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाती हूँ। आई थॉट मेरी ECG नॉर्मल आएगी, वो नहीं आई, दूसरा टेस्ट नॉर्मल आ जाए, भगवान करे यार, क्या मतलब बेकार के पछड़ों में मुझे नहीं पड़ना। ओह थैंक यू सो मच, चीज़ें ही भूल रही हूँ मैं। तो पहले मुझे लगा मुझे एसिडिटी है, तो मैंने एसिडिटी की दवाई ली, और यू नो होता है ना ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा सा बॉडी वैसी हो जाती है, तो बट उसके बाद भी पेन नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो अभी भी आई स्टिल आई एम इन पेन बट नॉट फोकसिंग टू मच। चलिए मैं कर लेती हूँ अपना टेस्ट, मैं आ गई हूँ लैब में दूसरे टेस्ट के लिए, मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम। मैं ध्यान नहीं देने वाली क्योंकि मुझे लग रहा है ओम नमः शिवाय, फोकस हटाने का सबसे अच्छा तरीका आप सब लोगों से बात करें। ओहो ब्लड इज आउट गाइस। ऑलराइट चलिए, कहने का मतलब यह है अगर आपको हल्का सा भी जिंदगी में डाउट हो तो उसकी जगह मत रखना, डाउट रहना ही नहीं चाहिए, नो कन्फ्यूजन। सो मैं अपना डाउट पूरा करने आ गई हूँ। पहले तो मुझे लगा था ECG बहुत क्लियर होगा, आराम से जाऊँगी, खाऊंगी पीऊँगी मस्त। हल्का सा ECG हल्का सा ऊपर नीचे आया तो मुझे एक और टेस्ट का बुलावा आ गया, तो वो टेस्ट कराया मैंने, एंड आई एम श्योर ये टेस्ट नॉर्मल आएगा, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। चलिए अब यहाँ से इंशाल्लाह, चलिए यहाँ से चलते हैं हॉस्पिटल। नो लेट्स गो एंड ईट समथिंग, बिकॉज अभी मैं घर जाऊंगी तो घर वाले डर जाएंगे, तो उनको आराम से बताऊंगी जब मेरा टेस्ट आ जाएगा, तो मैं एक घंटे तक बाहर ही रहने वाली हूँ, मैं वालों को बोलूँगी बाहर चिल कर रही हूँ। सो गाइज आई एम सो हैप्पी, माय अदर टेस्ट इज नॉर्मल। उससे पहले मैंने एक्चुअली अच्छे से खाया पिया भी है, इतना ओवर ईटिंग किया है मैंने, मेरे का बॉस कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं खाने पीने की वजह से, बट खा मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रही हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा सा मुझे चीट खाने में करना चाहिए, शायद इसीलिए तो नहीं हो रहा है। एनी वेज आई एम हैप्पी एंड रिलैक्सड, सब कुछ नॉर्मल है। खाने पीने के बाद मैं निकल रही हूँ घर की तरफ, थोड़ा वॉक कर रही हूँ ताकि डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है, तो निकलते हैं और कहते हैं अलविदा आज के लिए। सब लोग ध्यान रखिए अपना, और इसलिए मैं बोलती हूँ लव योर सेल्फ एंड लिव योर लाइफ। जैसे ही मुझे हल्का सा हिंट लगा तुरंत मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुँची, एंड यही आप सब लोगों को भी करना चाहिए फॉर टेस्ट, कि जिस चीज़ में आपको हल्का सा भी लगे डाउट भी आए तो सीधा पहुँचिए, अपने जाकर टेस्ट कराइए, अपनी माइंड को क्लियर कीजिए, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। सबसे पहले बॉडी है, उसके बाद सब कुछ है बॉस। लव योरसेल्फ, लिव योर लाइफ, दैट्स हाउ लाइफ शुड बी। लव यू, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।